दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना नौवें दिन भी जारी है। पहलवानों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उनका धरना जारी रहेगा। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारी लड़ाई चुनाव के लिए नहीं है बल्कि हमारी बहनों के साथ हुए अत्याचारों को लेकर है। इस आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है लेकिन हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। सौ बात की एक बात यह कि पहलवानों को अब डर सताने लगा है कि कुछ विपक्षी दलों ने इसे अपना एंटी बीजेपी एजेंडा प्रमोट करने का मंच बना लिया, जबकि ये मुद्दा संवेदनशील है। कहीं पहलवानों का धरना सियासत की भेंट ना चढ़ जाए, यह आशंका पहलवानों को है। कहीं बड़ी सियासी लड़ाई में पहलवान प्यादा ना साबित हों, इसकी चिंता अब पहलवानों को हो रही है। वो पहलवान जो कि लीड कर रहे हैं इस पूरे धरना प्रदर्शन को दिल्ली के जंतर मंतर पर, चाहे वो बजरंग पुनिया हों, साक्षी मलिक हों या फिर विनेश फोगाट हों। वहीं जंतर मंतर पर डटे पहलवान बीते 8 दिनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार और पद से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक वो हटने वाले नहीं है। न्यायपालिका पे, उच्चतम न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, पहले भी बताया था, और ये लड़ाई न्याय की है, भारत की बेटियों की लड़ाई है, और जब तक इंसाफ नहीं होगा हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरी आप पंचायत संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सभी संगठन, पूरा भारत भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने में घर से बाहर निकल के सभी खिलाड़ियों का साथ दे रहा है। तो ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ना सर, हम कुश्ती के खिलाड़ी हैं, बाकी और भी तो खिलाड़ी हैं, तो जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, विनो बिंद्रा जी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी तो हमारे समर्थन में ही बोल रहे हैं। तो उनका ये बोलना कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं, अभी विनो बिंद्रा जी हरियाणा से नहीं है, निकत जरीन है वो हैदराबाद से है, वो भी हमारा समर्थन कर रही है, सानिया मिर्जा है वो हैदराबाद से है, टेनिस की खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि सिर्फ कुश्ती की है। और अच्छा लग रहा है कि महिला खिलाड़ी जो है वो हमारे समर्थन में आ रही है, हमारा हौसला बढ़ा रही है, हमारे लिए ताकत का काम। बहुत सिंपल है, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो मुझे समझाएंगे और जरूर मेरा परिवार उनका समाधान ढूंढेंगे, यही बात हुई है, वो गलत नहीं बोलेंगे। मैं उनके समर्थन में हूं और मैं ये बोलूंगा कि भूषण जी को उनका जो गुरु है, जो उनके साथ इन्होंने गलत किया है महिलाओं के साथ, उनको जरूर अपना पद छोड़ना चाहिए। मन की बात को लेकर आपने अपनी बात रखी, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि सारे जो बीजेपी के मंत्री हैं खाली यही बोल रहे हैं कि हम मन की बात सुनेंगे, मन की बात सुनेंगे, पर जो यहाँ बच्चियों और महिलाएं हैं जो उनकी मन की बात है वो कोई सुनने नहीं आ रहे हैं, वो कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। जो बीजेपी के जो ये भूषण जी है उनको हटाने के लिए मैं नहीं देख सकता हूँ कि वो अपना प्रेशर डाल रहे हैं, पर ये मन की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इनकी मन की बात सुनिए तो आपको समझ आएगा कि ये मतलब हर चीज स्पष्ट हो जाए। लोगों ने आकर के इनका समर्थन किया है, इन खिलाड़ियों से कह करके आया हूँ कि उनसे सबसे बात करो और उन सबसे कहो कि अगर आप सही मायने में बहन बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हो, खिलाड़ियों के लिए नहीं, ये लड़की की इज्जत का सवाल है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई अपने ऑफिसर हो, जिस किसी के साथ इस तरह का कोई व्यवहार करे, सरकार अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती तो सारे अपोजिशन की जिम्मेवारी है कि प्रधानमंत्री से मिलकर के बात करें। इसीलिए प्रधानमंत्री को सबको जाकर के मिलना चाहिए और चिट्ठी लिखनी चाहिए, इसके लिए बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आपकी जानकारी में नहीं है तो हम आपकी जानकारी में बात लेकर के आ रहे हैं। अगर इन बच्चों के लिए अपोजिशन के लोगों ने कुछ नहीं किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा बंद करेगी। अगर ये मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के भूख भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहाँ 20 साल हो गए मैं काम करते हुए। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर FIR के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो। न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद से बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि ब्रिजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। इधर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि आरोप लगाने वाली सभी लड़कियां एक ही अखाड़े की हैं, जिसका नाम महादेव रेसलिंग एकेडमी है और उसके कर्ता धर्ता सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के 90% खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ पर विश्वास करते हैं। इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, उसके लिए पुलिस और कोर्ट में जाना होगा। प्रतिशत खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बुजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है, महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा हैं। हाँ, ये देखना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी के विरोध में बोला जा रहा है, और वो जो लोग बोल रहे हैं और जिनके सामने बोला जा रहा है वो सब रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है, इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं, और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे लोगों से बात की तो उनका क्या कहना था, ये भी आप सुनिए। हाँ जी, सारा संयुक्त मोर्चा ही आया, सारा संयुक्त मोर्चा पूरा। हाँ हाँ, पूरी संयुक्त मोर्चा की हिमायत है। संयुक्त मोर्चा के क्या रोल होगा इसमें खिलाड़ियों के साथ? जो हमको कहेंगे वही रोल करेंगे, जो पहलवान कहेंगे ना भी आर रोल करो, वही करेंगे। इतना जल्दी हो सके निष्पक्ष जांच करके जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पे उनको न्याय दे, वरना जितना देर करेगी सरकार, सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। ये कोई एक बेटी को, तो किसान आंदोलन में बैठे हुए थे लगातार परेशान, आप भी हो रहे। हाँ, जहाँ अन्याय होगा वहाँ पे हम पहुँचेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हमें आंदोलन जीवी बुलाए, जो मर्जी बुलाए, जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा पूरा देश इनके साथ खड़ा है। उसके प्रति तो जो ये सरकार का स्ट्रक्चर है ना, सीधे सीधे कारण ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हम देख रहे थे पिछले एक साल में, हमने देखा है उससे पहले 6 साल का रिकॉर्ड उठा लो, एक बस भी पलट जाती है तो उनका ट्वीट आता है। आज देश की बेटियों के साथ यौन शोषण का मामला है और एक ट्वीट तक नहीं आया है, एक बात तक नहीं आई है। पहलवानों के समर्थन में राजनेताओं का धरना स्थल पर जाना बीजेपी नेत्री और पहलवान बबीता फोगाट को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर सवाल उठाए। हालांकि बबीता का जवाब धरने पर बैठी उनकी बहन विनेश ने दिया और ट्विटर पर फोगाट बहनों के बीच तलखी देखने को मिली। एक के बाद एक ट्वीट किए गए फोगाट सिस्टर्स की तरफ से, बबीता फोगाट की तरफ से सवाल दरअसल इस बात को लेकर उठाए गए कि यहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं, जिस पर उन्होंने ट्वीट किया और उसका जवाब उन्हीं की बहन विनेश फोगाट की तरफ से दिया गया। बबीता ने दरअसल लिखा, शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी हैं, अपनी लड़ाई लड़ने में खुद हम सक्षम हैं, खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए, कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति को चमकाने में लगे, खिलाड़ियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एक के नहीं समूचे राष्ट्र के हैं। बबीता फोगाट जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया।